ठोस कार्रवाई। 70 से ज्यादा मुकदमों में पंजीकृत अभिमन्यु सिंह उर्फ डिंपल के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। एसपी ने 6 महीने तक जनपद की सीमा में दिखाई न देने के दिए आदेश। छह महीने की समय सीमा में जिला बदर अपराधी जिले में पकड़ा जाता है तो होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा के करीबी माने जाते हैं अभिमन्यु सिंह। तो ये बड़ी खबर चालौन से आपको बता रहे हैं, जहां माफिया श्रेणी के अपराधियों पर जिला प्रशासन की ठोस कार्रवाई सामने आई। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता वरुण द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वरुण, इस खबर पर क्या जानकारी? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि शासन के निर्देश पर जिस तरह से जो आपराधिक श्रेणी के लोग हैं, जो माफिया श्रेणी में आते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करवाई जा रही थी और वो जो लिस्ट तैयार हो चुकी है उसके तहत अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी के क्रम में जनपद जालौन में 70 से अधिक मुकदमे माफिया आपराधिक श्रेणी में जो व्यक्ति दर्ज हैं अभिमन्यु और डंपल सिंह, उन पर 70 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जो नदीगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये रहने वाले हैं। और इनको इनके ऊपर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदर कर दिया है और साथ ही साथ ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर 6 महीने के भीतर अगर ये जिले की सीमा में दिखाई भी देते हैं तो इनको इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनके इनको जेल भेज दिया जाएगा। नंदिनी, एक बात और सबसे बड़ी बात है कि अभिमन्यु और डंपल सिंह इनके कई सालों से एक लंबा क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड रहा है और अभी आज के समय की बात करें तो बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा की बहुत ही करीबी ये माने जाते हैं और लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में इनकी शिरकत रहती है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें जो होती है राजनीतिक पार्टियों की आड़ में अपने अपने को अपना नाम छुपाने के लिए या अपने ऊपर कार्रवाई ना हो बिल्कुल सहारा लिया जाता है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां योगी सरकार के निर्देश पर माफिया श्रेणी के अपराधियों पर जिला प्रशासन की ठोस कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि 70 से ज्यादा मुकदमों में पंजीकृत अभिमन्यु उर्फ डिंपल के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। एसपी ने 6 महीने तक जनपद की सीमा में दिखाई न देने के आदेश दिए हैं। 6 महीने की समय सीमा में जिला बदर अपराधी जिले में पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद भानु प्रताप वर्मा के करीबी हैं अभिमन्यु सिंह। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए जेएमडी। तो इस तरीके का नजारा कहीं ना कहीं सभी जगह दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम सरकारी अमले को दोष दें या हम किसी भी सरकार को दोष दें, ये लाजमी नहीं, ये प्रश्न नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे और आपके अंदर ही है। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के लिए सरकारी अमले या बहुत जल्दी किसी भी सरकार को दोष दे देना ये उचित नहीं है। ये हमारे और आपके ही बीच में है और संक्रमण हमारे और आपके ही बीच से निकल के आएगा। छोटे मासूम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक फैलाने के लिए शायद कहीं ना कहीं यही जो दृश्य हमने आपको दिखाए यही जिम्मेदार। तुरंत अंगोछा लपेटना शुरू लाए हैं लेकिन लगाए नहीं, सोशल डिस्टेंस। आरटीओ के अंदर आकर के हमने हाल जाना, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे के आरटीओ उदय वीर सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमडी में। सरकार जो गाइडलाइन दे रही है वर्क फ्रॉम होम, फिर उसके बाद कई ऐसे ऑफिस देखे गए जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आपका किस तरीके से कार्य प्रणाली आप इख्तियार कर चुके हैं कि आरटीओ के दफ्तर में किसी भी तरीके का संक्रमण ना पाया जाए, 2 गज की दूरी हो, सैनिटाइजर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट लाइसेंस का है, एक पार्ट जनरल है जिसमें गाड़ियों के ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आदि होती है। फिटनेस के लिए हम लोगों ने सेंटर पनकी बना रखा है जहाँ पे हम लोग सैनिटाइजर करते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हैं।
यही स्थिति हम लोग लाइसेंस में करते हैं। लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट केवल 60 लोगों को बुलाया गया है। 2 मीटर के बीच में उनको गोले राउंड बना दिए गए हैं। उनका बायोमेट्रिक उसी आधार पर होता है। उनको किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर मास्क लगाए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये लोग हम लोग सावधानी बरतते हैं। और जो लोग टैक्स जमा करते हैं कोशिश करते हैं कि वो लोग टैक्स ऑनलाइन जमा करें, ये हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं। और ऑफिस को प्रतिदिन सैनिटाइज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का जहाँ तक हो सभी हमारे लिपिक और हम अधिकारीगण उसका पालन करा रहे हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न, जैसे सरकार ने भी एक गाइडलाइन दी हुई है, एक प्रश्न ये है कि जो भी बसें चल रही हैं, जो भी ओवरलोडेड वाहन है उनसे फाइन लिया जाए, इसको किस तरीके से करें? क्योंकि जब आप लोग जाएंगे फील्ड में तो कहीं ना कहीं एक तरीके की असुविधा होगी। ओवरलोडिंग दो तरीके की ओवरलोडिंग, एक तो पैसेंजर की ओवरलोडिंग, दूसरी माल की ओवरलोडिंग, दोनों पर ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड में प्रति टन जो है 22,000 प्रति 2,000 रुपये प्रति टन और 20,000 जुर्माना उसको वसूला जा रहा है। और वाहन अगर पैसेंजर ओवरलोड होता है तो उस पर 1,000 रुपये प्रति सवारी होती है। इसका हम लोग अभियान चला रहे हैं और लगातार। बस यही मेरा पूछना है कि उस अभियान के तहत जब आप जाएंगे बसों में जाएंगे भीड़ हो तो कैसे सामना? कोशिश ये तो पहले उनको भी गाइडलाइन की जा सकती है बस ऑपरेटर्स को कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर 50 सीट की बस है तो उसमें जो है 30 से ज़्यादा ना बैठाएं। इस तरीके के निर्देश उनको ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। सर दो प्रश्न और करेंगे, कितने प्रतिशत यहाँ पे स्टाफ आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ तो वैसे स्टाफ की कमी है। कुल हमारे टोटल स्टाफ 25 है जिसमें 2 RI लेके 16 बाबू हैं। इसलिए अभी तो हमने सभी को कहा है कि वो सभी आए, क्योंकि हमारे यहाँ 55 स्टाफ के अगेंस्ट केवल 25 ही लोग हैं, तो इसलिए सारे स्टाफ आ रहे हैं हमारे। सर जो नए आवेदन आ रहे हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं सामने प्रैक्टिकल देने के लिए, उनको क्या कर रहे हैं सर? नहीं, नए आवेदन तो ऑनलाइन करेंगे जी। जब ऑनलाइन में उन्हें डेट मिलेगी तभी वो आ सकते हैं। डेट अभी नहीं मिल पा रही क्योंकि प्रतिदिन का स्लॉट केवल 60 लाइसेंस का है, तो लगभग 3 महीने का तो बुक ऑलरेडी हुआ है। इसलिए सोशल डिस्टेंस को दृष्टिगत इसीलिए 60 लाइसेंस का निर्धारण किया है। सर हमारे कैमरे की नज़र से जब हम अंदर आए हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से लाइसेंस अप्लाई करने के आए, फ्रॉड लेने के लिए आए, कहीं मास्क जी। बिना मास्क के हम लोग एंट्री नहीं करने देते किसी भी व्यक्ति को, बिना मास्क के एंट्री नहीं करने देते। काम होता है तो पहले हम लोग कह रहे थे 2 गज की दूरी रखें और बिना मास्क के आप बात नहीं। सर अगर वो मास्क नहीं लगाए प्रांगण में घूम रहे तो क्या किसी तरीके का दंड है? जा सकता है, हमारे चालान का प्रावधान है। तो ये आपने देखा कहीं ना कहीं AIG ने बताया कि कहीं ना कहीं चालान का भी प्रावधान है। और दूसरी ओर 60 आवेदन है, 16 लिपिक कर्मी है जिसमें स्टाफ पहले से ही कम है, तो स्टाफ जब कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इस तरीके से ITO दफ्तर का पूरा कार्यप्रणाली चल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JPN। PWD कार्यालय जहां भारी मात्रा में लिपिक कार्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनमें से कईयों ने मास्क का प्रयोग किया।